दोस्तों कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो को सुबह इसलिए शूट किया गया है और शॉर्ट नोटिस पे ही मैंने शूट किया है। उसका बेसिक कारण ये है कि दो कंपनियां हैं, उनका नाम है, मैं आपसे शेयर कर देता हूं। उनको गवर्नमेंट ने प्रपोजल उनका पास किया है और दोनों कंपनी अभी उनको नया नाम मिल जाएगा कि मिनी रत्ना में से आगे बढ़कर वो नवरत्न कंपनी में से एक होने वाली हैं, जिसके चलते स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी और अच्छा प्रॉफिट आप लोग बना पाएंगे। तो मैं आपको उन कंपनियों के नाम बता रहा हूँ। कंपनी है RCF यानी कि राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, और सेकंड दूसरी कंपनी का नाम है, आप सभी लोग जानते हैं, रेलवे सेक्टर्स में काम करने वाली रेलवेज की बड़ी कंपनी है इरकॉन। तो इरकॉन का स्टॉक भी पिछले कुछ दिनों से आप तेज़ी देख रहे होंगे। दोनों के फाइनेंशियल ईयर का पहले क्वार्टर के रिजल्ट बहुत अच्छे रहे हैं, जिसके चलते ये प्रपोजल गवर्नमेंट के पास गया है और केंद्र सरकार ने उसको पास किया है। अब दोनों कंपनियां नवरत्न कंपनियों में आ गई हैं। तो नवरत्न कंपनी में आने का मतलब है कि उनके स्टॉक में भी तेज़ी देखने को मिलेगी और अच्छे भारी मुनाफा आप लोग बना पाएंगे। अगर आप लॉसेस में हैं तो आप ज़रूर इन कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर लें, जिससे समय रहते आप भी प्रॉफिट बना पाएँ। ये दोनों स्टॉक बहुत अच्छे मूव करने वाले हैं, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इस तरह की जो भी न्यूज़ है समय रहते आपको दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।